हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ प्रेरणा और मेरे चैनल का नाम है सुबह ब्यूटी डिजायर्स। सो गाइज, आज का वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेरा कुछ ज्वेलरी हॉल। सो ये सारे ज्वेलरी कलेक्शन नहीं है मेरा, दिस इज द डिस्क्लेमर हियर। ये कुछ सेट्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किए हैं फ्रॉम अमेजोन, तो आज मैं आपके साथ में वही सब शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइज। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हो ना, पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल पे, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल और जो पास में नोटिफिकेशन बेल दिया होता है उसको भी क्लिक जरूर करना, जिससे कि मेरे सारे अच्छे अच्छे से ऑसम वीडियोस जो आएंगे ना, सबके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द सेट फ्रॉम द जावेरी पर्ल्स। तो ये जावेरी पर्ल्स का सेट है, आप देख सकते हैं, और ये इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है, तो इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही बढ़िया है गाइज, आप देख सकते हैं ओवरऑल इस तरीके की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। और you know, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में भी जा रहे हैं तो इट विल बिकम वेरी इजी आपको कैरी करना, अगर आप शादी वगैरह में जा रहे हैं। तो मैं एक शादी में गई थी, मैंने वहां पर ये जो सेट है वो पहना था, तो मैं इसको बॉक्स को ऐसे ही ले गई थी, तो कोई भी डैमेज होने का चांस नहीं रहता और यू नो, आपके तक पहुंच भी बहुत अच्छे से जाता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसा सेट है। तो आप जब इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके से you know, मुझे रिसीव हुआ है। एज यू कैन सी, इसमें पूरा बबल रैपिंग वगैरह अच्छे से दी गई थी। तो लेट मी टेक आउट दिस थिंग। सो ये पूरा कार्डबोर्ड का है और ये है पूरा इसका पैकेजिंग, जो कि अच्छे से बबल रैप्ड करके मुझे आई है। तो इसको, बबल रैपिंग को हम हटा देते हैं। ओके गाइज, आप देख सकते हैं ये इस तरीके का सेट है। पूरी पर्ल्स की डिटेलिंग आपको दी गई है, नीचे आप देख सकते हैं ये पूरी पर्ल्स की डिटेलिंग है। एंड देन यहाँ पर जो है कुंदन वर्क हो रहा है पूरे में, और फ्लावरी डिटेलिंग्स हैं आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है आपके नेक में चोकर पीस की तरह लग जाएगा। लेट मी शो यू। तो ये जब आप पहनेंगे तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, पूरा इस तरीके से आ जाएगा आपके नेक में, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है पहनने के बाद में। और इसकी जो डिटेलिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, फ्लावरी डिटेलिंग है। आप इसको किसी भी साड़ी के साथ में कैरी कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई अनारकली ड्रेस है, कोई बहुत ही लॉन्ग प्यारी से प्रिटी से ड्रेसेस के साथ में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि आप इसको वेस्टर्न वेयर पर भी कैरी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्ल डिटेलिंग। तो इसके साथ में इसके इयररिंग्स भी आए हैं, जो कि इस तरीके के हैं। इयररिंग्स काफी लॉन्ग हैं आप देख सकते हैं, तो आपके जब आप पहनेंगे तो आपके यहां तक पूरा नेक जो है कवर हो जाता है, तो काफी अच्छा है। इयररिंग भी दोनों तरफ में ही पर्ल का जो एक ड्रॉप दिया हुआ है, तो you know, अच्छा लगता है, सेट के जैसा ही लगता है बिल्कुल। ऊपर दो फ्लावर्स दिए गए हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके के फ्लावर्स हैं। इसका जो लिंक है मैं ट्राई करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने के लिए, तो प्लीज चेक दैट आउट। सो गाइज, नेक्स्ट जो मेरा सेट है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लेट मी शो यू दिस सेट। तो ये बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट सेट है। तो ये है गाइज चोकर सेट, आप देख सकते हैं इस तरीके का चोकर सेट है पूरा, और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, हैवी लुक में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो ये डिटेलिंग्स है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली दिस इज नॉट द कुंदन, बट यस, ये जो है स्टोन्स का सेट है बना हुआ, और इसकी जो नेक की डिज़ाइन है ये बिल्कुल चोकर जैसी डिज़ाइन है, मतलब जो रानी हार होता है ना, रानी वाला जो चोकर हार होता है, ये उस तरीके का है। आप जस्ट अपने नेक में इस तरीके से लगाइए और ये बिल्कुल फंस जाता है इस तरीके से, और ये बहुत ज्यादा प्रिटी लुक देता है गाइज। इसके ये जो नीचे ये लटकन है, ये जब नेक पर आपकी दिखती है तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। तो आप इसको अपने हैवी लहंगा के साथ में, या फिर आपकी कोई हैवी साड़ी हो तो उसके साथ में पहन सकते हैं। इसकी डिजाइन लेट मी शो यू, इसकी शेप बहुत ज्यादा अच्छी है, यह बहुत ही अच्छा, ऐसा लगता है मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ थिंग है, मतलब कस्टमाइज्ड थिंग है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्रिटी है। और सबसे अच्छी बात है कि पूरा ऑल ओवर गोल्डन है, तो आप मतलब कोई सा भी ड्रेस पहने, ऐसा नहीं है कि आप किसी और पिंक कलर के साथ नहीं ट्राई कर सकते, इसको ग्रीन के साथ नहीं ट्राई कर सकते। आजकल गोल्डन कलर जो है हर एक ड्रेस में आपके अवेलेबल रहता है, लहंगा हो, साड़ी हो, या फिर आपकी ओवरऑल गाउन हो, उस पर भी आपका गोल्डन कलर तो मिल ही जाता है, तो आप उसमें बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं इस वाले सेट को। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी हैवी सेट है ये, तो दिस वॉज द थिंग। एंड देन इसके साथ के जो इयररिंग्स हैं, एक्चुअली इसके साथ में इयररिंग्स नहीं आए थे, तो मैंने इसके साथ में इयररिंग्स अलग से परचेज करे हैं, वो हैं ये इयररिंग्स। आप देख सकते हैं ये इयररिंग्स कितने ज़्यादा सुंदर हैं, ये भी चांद बाली के ही डिज़ाइन में है, लेकिन ये लॉन्ग पैटर्न में है, तो अगर आपका राउंड फेस है तो उस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे।
राउंड फेस को मतलब एक लॉन्ग लुक देने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं इसका ये जो पर्ल डिटेलिंग है ना, ये बहुत ही प्यारा लगता है और पूरा नेक आराम से कवर कर रहे हैं आपके। तो ये डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा गाइस, तो मैंने इसको तुरंत ही ऑर्डर किया और ये मेरे इस वाले सेट के साथ में जा भी रहा था। मतलब पूरा गोल्डन है, आप देख सकते हैं, कोई और कलर भी नहीं है, तो आप बहुत सारे आउटफिट के साथ में इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मेरा जो नेक्स्ट सेट है वो है ये वाला सेट। तो आप देख सकते हैं ये है पर्पल कलर का, एक बहुत ही ज्यादा प्रिटी, मतलब जो लेटेस्ट डिजाइन आती हैं वो वाला सेट है। आप देख सकते हैं इसका डिजाइन कितना ज्यादा प्रिटी है, मतलब इसमें जो पर्पल कलर दिया हुआ है ये बहुत ज्यादा सुंदर, मतलब ये इतना एलिगेंट एंड इतना स्टाइलिश सेट है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है। मतलब आप अगर अपनी कोई गाउन के साथ में भी, वेस्टर्न गाउन के साथ में पहनना चाहें तो भी पहन सकते हैं। बहुत ज्यादा इसकी डिजाइन बहुत ज्यादा प्रिटी है, एलिगेंट है, तो इस तरीके से आता है आपकी नेक पे। और इसके साथ में इयररिंग्स भी बहुत ज्यादा सुंदर है, मतलब इयररिंग्स तो इतने अच्छे हैं इसके, लाइक ज्यादा हैवी भी नहीं है बट देखने में बहुत ज्यादा हैवी है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है बट देखने में लगते हैं कि बहुत हैवी होंगे, बट यस इट इज नॉट हैवी एट ऑल, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। तो ये मुझे सेट बहुत प्यारा लगता है। मेरे पास एक पर्पल कलर की साड़ी है जो कि बहुत ज्यादा हैवी है, उसके साथ में ये सेट बहुत ही अच्छे से जाता है। गाइज, इसके बाद में जो इयररिंग्स मैंने परचेज किए हैं अमेजोन से वो हैं ये वाले इयररिंग्स। लेट मी शो यू द इयररिंग्स। तो ये है वो इयररिंग्स, आप देख सकते हैं ये चांद बालीज हैं गाइस, जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा फैशन में चल रही हैं और कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं आप देख सकते हैं। इसमें मतलब पूरा ये कुंदन वर्क है, यहाँ पर रियल कुंदन वर्क है एंड देन यहाँ पर ये जो है ये मैशी जाली वर्क दिया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और एक यहाँ पर पर्ल ड्रॉप है, यहाँ पर भी पर्ल ड्रॉप है, तो ये इसको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है आप देख सकते हैं। और पहनने के बाद तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, मतलब अगर आप कोई हल्की सी चेन भी पहन रहे हैं तो उसके साथ भी ये बहुत ही अच्छे से जाती है, तो बहुत ही प्रिटी लगती है। तो ये आपके लहंगे वगैरह में भी बहुत अच्छे से चल जाएगी, या फिर आप कोई सिंपल ड्रेस पहन रहे हैं जिसमें ज्यादा वर्क नहीं है, केवल आप इयररिंग्स को ही अपने शो ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप बिल्कुल इसको कैरी कर सकते हैं इस तरीके की झुमकी इसको, दिस इज कॉल्ड चांद बाली, तो बहुत ज्यादा प्रिटी लगती है। तो इसका भी मैं लिंक ट्राई करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने के लिए। सो ओके गाइज, ये तो थे सारे मेरे ट्रेडिशनल सेट्स, जो कि आप मतलब इस तरीके के सेट्स हैं जो कि आप फेस्टिवल्स या फिर शादी वगैरह में कैरी कर सकते हैं। कुछ मेरे पास एक ऐसे भी सेट्स हैं जो कि थोड़ा वेस्टर्न लुक टच देते हैं, अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस कैरी कर रहे हैं तो उसके साथ में ये इस तरीके के सेट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेंगे। लेट मी शो यू कि किस तरीके के हैं ये, और ये गाइज थोड़े से कॉस्टली हैं, सो लेट मी शो यू। तो ये आर दीज आर द इयररिंग्स, ये आप वेस्टर्न आउटफिट पे भी कैरी कर सकते हैं, लाइक आपकी कोई ड्रेस है उस पर पहन सकते हैं, वेस्टर्न ड्रेस पे या वेस्टर्न गाउन पे, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। सिल्वर कलर है तो एज सच कोई छुपने वाला भी कलर नहीं है, तो वेस्टर्न आउटफिट पे काफ़ी अच्छे से चल जाएगा। एंड देन दिस इज द सेट ओवर हियर जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है गाइज। तो ये है मेरा जो वेस्टर्न आउटफिट के लिए सेट है वो, तो ये भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है मुझको, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रिटी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको केवल ब्लू कलर की ड्रेस के साथ ही कैरी कर सकते हैं, ये एक वर्सेटाइल कलर है। ब्लू कलर आप किसी की भी मतलब कोई भी ड्रेस हो आपकी न्यूट्रल कलर में उसके साथ में अच्छे से चल जाएगा, मतलब आपकी ग्रे कलर में भी अच्छे से चल जाएगा, या फिर आपका पीच कलर हो पीच कलर में भी ये सेट बहुत ही अच्छे से जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, एक एलिगेंट सा सेट है, हालांकि ये थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ा है। ओके गाइज, तो इसके बाद में एक और सेट है जो मैंने अपने छोटे मोटे ओकेजन्स के लिए लिया है, जो छोटे मोटे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं रिचुअल्स होते हैं उसके लिए लिया है। लेट मी शो यू द सेट। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये आप छोटे मोटे ओकेजन्स में पहन सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो ये गाइज इस तरीके का है, ये है इसका पेंडेंट, एक्चुअली ये पेंडेंट है एंड देन दिस इज द इयररिंग, ये इयररिंग है इसके, आप देख सकते हैं दोनों इयररिंग्स। लेट मी शो यू बोथ द इयररिंग्स। तो ये दोनों इयररिंग्स हैं इसके, इस तरीके से कितने प्रिटी लग रहे हैं। छोटे मोटे फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप कहीं नहीं जा रहे अपने घर में ही पहनना चाहें, रक्षाबंधन वगैरह पे, बैसाखी लोहरी वगैरह पे, तो आप अच्छे से पहन सकते हैं। ये है और देन ये सेट है, ये गले का है, इसमें जो है एक चेन आई है। लेट मी शो यू द चेन। तो आप इस चेन को जो है इसमें अटैच कर सकते हैं एंड देन इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा सेट है। तो इसके बाद में जो मैंने सेट परचेज किया है वो है ये वाला,
लेट मी शो यू। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, चांद बाली के डिजाइन में है, आप देख सकते हैं चांद बाली के डिजाइन, और ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें भी पर्ल की डिटेलिंग है। ये भी अगेन आप छोटे मोटे फंक्शंस में ट्राई कर सकते हैं, अपने घर में ही है अगर तो आप बिल्कुल इसको पहन सकते हैं। इसकी इयररिंग लेट मी शो यू। तो मैंने इस तरीके के पाउच में रखे हुए हैं ये छोटे वाले जो सेट हैं वो। तो ये हैं इसके इयररिंग्स, ये दीज आर द इयररिंग्स। थोड़े से वाइट चंकी में हैं तो ज्यादा यू नो अच्छे लुक देते हैं आपको। सो यस गाइज, यही था मेरा रिसेंट हॉल, जो ज्वेलरी का हॉल है। मैंने ये सारे आइटम्स जो है परचेज किए हैं अमेजोन से, और एक दो हो सकता है कि दूसरी वेबसाइट से हो। तो मैं कोशिश करूंगी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने के लिए। अगर आपको अच्छे लगे हो, मेरा आज का हॉल अच्छा लगा हो, तो हिट लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। और आपकी कोई और अच्छी सी रिक्वेस्ट हो किसी और का, मतलब आपको कोई और हॉल वगैरह देखना है, कलेक्शन देखना है, तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं जल्दी से उसको वीडियो को लेकर आऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर 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 करना। तो चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय, लव यू।